नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। सागर में चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है, शबाब पर है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही और उधर कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं। जब मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था तो उन्होंने तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के दावों को खोखला बताया है। तो इसलिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता और वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए। जब मैं वहाँ से बात किया तो लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि साहब हमसे बात नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से भी बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम तो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? भाई, एकजुट कमरों में नहीं हुआ जाता। एकजुट जब होते हैं तो उसका असर सड़कों पर दिखता है और चुनाव उनके अभियान में दिखता है। जी, वो तो वहाँ पर तो कह रहा है कांग्रेस तो पूरा एक परिवार है और हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ना है। नरेश सेठ भी आ गए मैदान में और गुड्डू सेठ भी आ गए, और अब आप देखिए, दिखाने वाली बात कुछ और होती है और असल बात कुछ होती है। ये हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता समझ रही है। जगन्नाथ गुरैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस एकजुट होती तो उनके दो दो प्रत्याशी पार्टी छोड़कर चुनाव नहीं लड़ रहे होते। जगदीश यादव बहुत पुराने कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अंकलेश्वर दुबे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस कहीं एकजुट नहीं है। शश्याम तिवारी जी क्या कहना है? वो अंकलेश्वर दुबे से बात हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि बाल्टी उनका चुनाव निशान है, तो किसकी बाल्टी मानेंगे, भाजपा की कांग्रेस की? तो उन्होंने कहा कि हम सबकी मानेंगे। निसंदेह रूप से बाल्टी उनकी भी मजेगी और जिस दल से तोड़कर वो निर्दलीय लड़े हैं उस दल की भी बाल्टी मजने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी एक है और एक रूपता के साथ भारतीय जनता पार्टी सागर में चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं तारिक जी, आज भी कांग्रेस कभी कमलनाथ गुट से, कभी ज्योतिनाथ, कभी दिग्विजय सिंह गुट में बटी हुई है। ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर निकल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमतों से सागर के अंदर विजय श्री प्राप्त होगी। जी, आप कुछ कह रहे थे साहब? मैं ये कह रहा था कि बाल्टी जो है वो अंकलेश्वर दुबे के पास है, हम लोग के पास तो है नहीं, तो मजेगी तो उन्हीं की मजेगी। हम लोग पास तो बाल्टी है ही नहीं है। ये क्या हुआ? कोई स्मार्ट सिटी का कह रहा है, स्मार्ट सिटी बनी नहीं है सागर, वो तो सड़कें बेकार हैं। यहाँ पे टेंडर हो गए स्मार्ट सिटी के, पार्कों के काम चालू हो गए हैं, तालाब के लिए पैसा आना चालू हो गया है। जो ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, वो शायद अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि उनके राज में तो कोई काम कभी हुआ नहीं। तो उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता। वो यदि नींद खोल के बंगले से जरा बाहर आएंगे, बंगले से बाहर आ चुके भैया, बंगले से वो भैया 2 बजे तक तो अभी भी सो ही रहे हैं। वो बता, हमें तो कभी सड़कों के लिए बाहर आए हैं, चुनाव लड़ने भर के लिए बाहर आए हैं। आपको 15 दिनों के बाद फिर आपको बंगले में सोते दिखेंगे। उनको वापस बंगले पहुंचा दिया जाएगा, 15 दिन बाद उनको आराम करने दिया जाएगा। होगा क्या फिर सागर में? बीजेपी जीतेगी मध्य प्रदेश में, सागर की क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया सागर में? जो है हैट्रिक लगना तय है। हमारे लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन जी तीसरी बार भारी मतों के साथ सागर विधानसभा का नेतृत्व पुनः करेंगे। अच्छा, जीत कर जी। तो फिर कांग्रेस इतने सारे आरोप लगा रही है स्मार्ट सिटी, वो कह रहे हैं कि हमने सड़कें सब बेकार दी हैं। कांग्रेस के उनने कभी फर्सी की गलियां थी, आज एक एक गली सीसी हो गई है। आप भी अपने घर के बाहर निकलेंगे, कोई भी अपने घर के बाहर निकलता है सीसी 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 रोड मिलती है। जहाँ देखो आपकी पूरी जो लाइन है वो पहले जो लाइन डली हुई थी, अब कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि सारी कवर्ड लाइन डल गई। बिजली की, पानी की योजना, अमृत योजना चालू होने वाली है, हर घर पानी। भाई मैं बता दूं, ये सब मिथ्या है इन सब का। सागर एक विकास की ओर बढ़ रहा है, सागर सुरक्षा की दृष्टि से देश में नंबर एक का भाव आया है। आज सड़कों का जाल बिछा है इसी सागर के संभाग केंद्र के अंदर। 24 घंटे में 12-12, 14-14 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं थी, लोगों को पीने का पानी नहीं था। और ये सब कहीं मिला है तो आदरणीय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला है, शिवराज सिंह चौहान से मिला है और शैलेंद्र जी के प्रयासों से हुआ है। आप देखिए, यह बिजली 24 घंटे मिल रही है। हमने 16,000 लोगों को, हितग्राहियों को यहाँ पर मकान देने का काम किया है। हमने 16,000 लोगों को यहाँ पर 2.5-2.5 लाख रुपए देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर किया है। जहाँ एक और बरसात के मौसम में मोंगा बदान से लगे हुए आसपास के वार्डों में हर बार लोग बाढ़ से परेशान रहते थे, वहां जाकर आप देखिए 3 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी गई। अब वहां पर बाढ़ का तो नामो निशान ही नहीं, कितनी भी बरसात हो जाए, कितना भी तेज पानी गिर जाए, परंतु लोग बारिश के पानी से परेशान नहीं होते। तो जनता हमारे साथ। तारिक भाई आप सुनिए,
सागर के बड़े बाजार के अंदर 30 बिस्तरों का बेड का हॉस्पिटल बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय शैलेंद्र जी ने किया है, सागर के विधायक ने किया है। वहाँ पर 30 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हमने मेडिकल कॉलेज दिया, किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, शैलेंद्र जी की सरकार ने दिया, भूपेन्द्र जी और गोपाल भार्गव की सरकार ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया। आज सड़कों की हालत क्या थी सागर के अंदर? आप जाइए मेडिकल रोड पर, एक सुंदर सड़क का निर्माण हुआ। संजय ड्राइव पर जाइए, संजय ड्राइव पर जैसे लोगों को निकलने के लिए भय और डर का माहौल हुआ करता था, आज संजय ड्राइव पर शहर की महिलाएं सुरक्षित स्थान मानकर वहां पर घूमने का काम कर रही हैं। संजय ड्राइव को सुंदर संजय ड्राइव बनाया। आप देखिए, हमने सागर फॉरेस्ट बनाने का काम किया है, हमने अनेक योजनाओं के माध्यम से। कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है क्योंकि राहुल गांधी ने युवा को टिकट दिया है कांग्रेस। युवाओं से कुछ नहीं होने वाला, ये सागर हमारा सागर वो सागर है जहां मध्य प्रदेश का तीसरा क्रूज दौड़ता है, और इस क्रूज का तीसरे क्रूज की सौगात दिलाने वाले हमारे नगर विधायक शैलेंद्र जैन जी को पुनः सागर की जनता तीसरी बार। शर्मा जी कह रहा है, जो कांग्रेस कह रही है कि युवा विधायक है, विधायक बनेगा, मतलब कैंडिडेट उतार रहा है कांग्रेस में, हमारा विधायक कौन सा युवा नहीं है? आज भी हमारा विधायक युवा है, उस युवा से तेज चलता है, सुबह 6 बजे उठकर रात के 12 बजे तक लगातार काम करने में लगा हुआ है। शैलेंद्र जी आज भी देखा जाए तो एक युवा की भांति ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने बहुत काम किया है, सागर विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आपको मालूम, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 2000 कार्यकर्ता आज सागर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी एक संगठन के रूप में काम कर रही है, उनकी स्थिति क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके पार्टी दल के लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ के कई नेता, कांग्रेस के नेता उनके साथ दिख नहीं रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सारी एकजुट होकर इस चुनाव में उतरी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी उतार दिए एनडीए के लिए, बहुत सारे प्रत्याशी युवा है सागर के, जितना युवा है शैलेंद्र जी के साथ है, कोई युवा यहाँ का कांग्रेस के साथ नहीं है। युवाओं को दिख रहा है अगर किसी में भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भविष्य है। अगर 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 हमने बहुत सारे बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी उतार दिए तो ये भी हमारी सफलता है, उनको किसने रोका था? ये तो चुनाव यही तो सरकार बना है, ये करा है ना, गुजरात फार्मूला चला दिया। स्वीकार नहीं कर रहे लेकिन अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उसकी सफाई भी मैं कर रहा हूँ, तो ये भी हम लोगों की सफलता ही है। ठीक है जी, पूरे प्रदेश का संदेश एक इतना। आप कहाँ से आए, जरा बताइए हमें जरा। मैं तो ललितपुर से हूँ जी, और यहाँ पर आया चुनाव संचालन करने के लिए आए? नहीं, चुनाव की देख रेख के लिए आया हूँ पार्टी की तरफ से जी। केवल पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, मध्य प्रदेश की जनता। कांग्रेस ने बीमारू राज छोड़ा था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने उस बीमारू राज को पहले जुझारू राज बनाया और अब अगले कार्यकाल में समृद्धशाली राज बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वायदा है और वो कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो नाम बदल दिए वहाँ तो, अब यहाँ सागर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो आदमी रात में सो नहीं पाते थे, दिन में चल नहीं पाते थे, अमन चैन से सो रहे हैं, भय मुक्त शासन एक साल की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में दे दिया। तारक भाई, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस आरोप लगा रही है, पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष की भूमिका कहीं नजर नहीं आती। सागर में तो छोड़ो, कहीं मध्य प्रदेश तक में विपक्ष की भूमिका कहीं नजर नहीं आती। आज ये आरोप आदि कोई लगा रहे हैं तो 15 दिन के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव के बाद ये विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेंगे और अपने घर बैठकर सोएंगे, आराम करेंगे। घर बैठकर सुलाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेसियों को कह रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अगर विपक्ष की भूमिका निभाते तो मुश्किलें बढ़ती। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका रब्ता बना रहे। तमाम खबरों।